कालेश्वर के अति प्राचीन मंदिर महाकालेश्वर में धूमधाम से मनाया गया गुरु पूर्णिमा का महोत्सव। पैलानी तहसील क्षेत्र के कालेश्वर में स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने अति प्राचीन मंदिर महाकालेश्वर में आज शनिवार को धूमधाम से गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बांदा हमीरपुर मार्ग के मध्य स्थित महाकालेश्वर मंदिर में वैसे तो हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह भोर से ही जनपद बांदा सहित आसपास के कई जिलों से श्रद्धालुगण मंदिर प्रांगण में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर अपने अपने गुरु महाराज की पूजा अर्चना एवं वंदना किया। वहीं मंदिर प्रांगण में गीत संगीत का कार्यक्रम भी चला। वहीं कुछ भक्तों द्वारा विशाल भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। तो कालेश्वर मंदिर है यहाँ पे लोगों जो भक्तों बहुत भीड़ आती है यहाँ पे, क्या इस मंदिर में मान्यताएं हैं? इस मंदिर में ये मान्यताएं हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो अपनी मान्यता मानते हैं, जिनके दूध नहीं होता बच्चे को पीने के लिए वो दूध चढ़ाने के लिए मानते हैं। दूध यहाँ बराबर दूध चढ़ता है, गाय भैंस दूध नहीं देती है उसके लिए दूध चढ़ता है यहाँ पर मंदिर में, दूध बराबर होने लगता है। अच्छा स्वामी जी, ये मंदिर कितने पुराना वर्षों हो गया? इनका कोई इतिहास नहीं है कि कब का बना हुआ है, किसने बनवाया है, ये तो नया निर्माण चालू हुआ है ना, इसकी मूर्तियों का कोई स्थान आज तक नहीं कोई बता पाया, कई वर्ष की बुजुर्गों ने नहीं बता पाया कि किसने स्थापना पहले की थी। ये कौरव पांडव को कोई कहता है कि जमाने की है, कोई कहता है कि जब यहाँ अज्ञातवास हुआ था कौरव पांडव का उस समय की मूर्ति स्थापित की हुई है, इसी तरह लोग बताते हैं लेकिन कोई स्थाई नहीं आज तक कोई बता पाया।